वेलकम टू मेड साइंसेस। आज का हमारा टॉपिक है थ्रोम्बोटिक डिजीज़ेस। ठीक है, ओके। डिजीज़ेस करने से पहले हम इटियोलॉजी इस लेक्चर में कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डू द सेपरेट डिजीज़ेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स थ्रोम्बस? थ्रोम्बस और क्लॉट में क्या फ़र्क है? क्लॉट एंड थ्रोम्बस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि क्लॉट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इंजरी ऑफ एंडोथेलियल सेल्स अकर और द ब्लड वेसल्स आर कट। ठीक है, और एंडोथेलियल सेल्स आर डिस्ट्रप्टेड, देन द क्लॉट इज फॉर्म्ड। इट इज़ अ नॉर्मल हीमोस्टेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, या फिर हीमोस्टेटिक जो सिस्टम है हमारा, उसका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है ड्यू टू इंजरी। एंड थ्रोम्बस इज अ क्लॉट विच इज़ पैथोलॉजिकली अकर इन द हेल्दी इन वेसल्स। हेल्दी वेसल्स में अगर क्लॉट बन जाए विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी इंजरी, तो उसको हम कहेंगे थ्रोम्बस इन साइड द वेसल्स। एक और डिफरेंस ये भी है कि थ्रोम्बस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेसल्स के अंदर बनते हैं, क्लॉट हमारे पास वेसल्स के बाहर भी बनते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक, ओके। सो अ क्लॉट इज गुड व्हेन देयर इज डैमेज टू द वेस्कुलर टिश्यू, बट इट्स डेंजरस इट फॉर्म्स इन अ हेल्दी ब्लड वेसल्स। इन दिस केस इट्स कॉल्ड अ थ्रोम्बस। और हमारे पास थ्रोम्बस अगर आर्टीरियल हो तो उसमें डिफरेंस है, अगर वेनस हो तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। आर्टरीज में क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई फ्लो है, ब्लड फ्लो इज़ इन अ हाई प्रेशर, एंड वेन्स में ब्लड प्रेशर इज़ लो, फ्लो इज़ लो। ठीक है, सो ड्यू टू द हाई प्रेशर इन द आर्टरीज, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस अकर्स अंडर हाई शेयर फ्लो व्हेन प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाई आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो प्रेशर इज़ हाई। जो भी अच्छा, थ्रोम्बस के कंटेंट्स क्या होते हैं? तो थ्रोम्बस में हमारे पास ऑब्वियसली प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बन गया, तो प्लेटलेट्स आर देयर, सेकेंडरी इज देयर, सो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स आर देयर। ठीक है ना, अनस्टेबलाइज्ड फाइब्रिन क्लॉट इज़ फॉर्म्ड, और उसके साथ कुछ ट्रैप्ड कोगुलेशन फैक्टर्स भी हैं। ठीक, और कुछ ट्रैप्ड WBCs और RBCs भी हैं। सो ये एक थ्रोम्बस का की कॉम्पोजिशन है। लेकिन आर्टरीज में जो थ्रोम्बस है वो प्लेटलेट रिच है, उसमें ब्लड WBCs एंड RBCs नहीं है, इसलिए उसका कलर भी वाइट होता है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हाई फ्लो तो वो फ्लो हो जाते हैं, वो ट्रैप्ड नहीं होते, वो फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, वॉश्ड आउट हो जाते हैं। और वेनस जो कि लो शेयर फ्लो है, तो उसमें हमारे पास जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होगी, द थ्रोम्बस इज इन रेड इन कलर बिकॉज ऑफ ट्रैप्ड WBCs एंड RBCs। अच्छा, थ्रोम्बस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमें देख के लगे कि दिस इज अ थ्रोम्बस? सो टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर थ्रोम्बस, लाइन्स ऑफ ज़ेन विल बी देयर, दैट इज अल्टरनेटिव प्लेटलेट या फाइब्रिन के साथ जो है RBCs की लाइन होगी। ठीक है, और अटैचमेंट टू द वेसल वॉल, और वेसल वॉल के साथ वो अटैच्ड होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थ्रोम्बस की, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, देन वी कॉल इट एज थ्रोम्बस। अच्छा, सो थ्रोम्बस कब बन, थ्रोम्बोसिस जो कंडीशन है उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगी बॉडी में। तो थ्री मेजर रिस्क फैक्टर्स आर देयर, उसको हम कहते हैं फिरकोस ट्राइड। ठीक, अच्छा, एंडोथेलियल इंजरी, हाइपरकोगुलेबल स्टेट एंड एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, ये तीन मेजर रिस्क फैक्टर्स, इसको हम फिरकोस ट्राइड कहते हैं। सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, एंडोथेलियल की इंजरी होगी तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस हैं। सो इन हार्ट और आर्टीरियल सर्कुलेशन प्रेशर इज हाई। ओके, तो हाई प्रेशर कैन लीड टू नो क्लॉट, नॉर्मली तो वॉश्ड आउट हो जाता है हर चीज़, वो क्लॉट फॉर्म नहीं होती। ठीक है ना, बट इन सर्टेन इंजरीज, एंडोथेलियल इंजरी, देयर इज क्लॉट फॉर्मेशन। अच्छा, ये जितने भी हमारे पास थ्रोम्बोटिक डिजीजेज हैं, दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है ना, बिकॉज वी नो दैट देयर आर सम वेसल्स, अगर वहाँ पे हमारी थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए एंड इफ इट इज़ डिसलॉज्ड एज एन एम्बुलस, इट कैन कॉज अ सीरियस फेटल कंडीशन। ठीक है ना, कुछ भी करा सकता है। हमारे पास जितने भी थ्रोम्बोटिक डिजीजेज हैं, दैट एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इन फीमेल्स मोस्टली, मिसकैरेजेस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आर देयर, मल्टीपल थ्रोम्बस फॉर्म हो जाते हैं इन द प्लेसेंटा व्हाइल दे आर प्रेग्नेंट, बिकॉज प्रेगनेंसी सर्टेन कंडीशन जो है ना, इन इंजरीज की वजह से सर्टेन कंडीशंस जब ओवर हो जाते हैं, उनके ऊपर ओवर राइड कर लेते हैं,
साइमल्टेनियसली तो फेटल कंडीशन तक वो जा सकता है पेशेंट. ठीक है, दे कैन कॉज स्ट्रोक, MI एंड एनीथिंग दैट इज फेटल. तो एंडोथेलियल इंजरी हमारे पास लाइक थ्रोम्बस फॉर्मेशन विद इन द कार्डियक चैम्बर्स आफ्टर एंडोकार्डियल इंजरी ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ठीक है ना, एंड ओवर अल्सरेटेड प्लैक्स बन जाए इन एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरीज में, या फिर ट्रॉमा हो जाए, इन्फ्लेमेटरी वैस्कुलर इंजरी हो जाए, वैस्कुलाइटिस, एनीथिंग विच कैन इंजर अवर एंडोथेलियल सेल लाइनिंग. एंडोथेलियल डिसफंक्शन कैन बी इंड्यूस्ड, इट कैन बी इंड्यूस्ड बाई वेराइटी ऑफ फैक्टर लाइक हाइपरटेंशन है, ठीक है ना, हाई ब्लड फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन रेडिएशन, ठीक है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है लाइक हीमोसिस्टिनीमिया, हाइपरक्लोस्ट्रोलीमिया, कोई टॉक्सिन, सिगरेट स्मोक, कोई भी इंजरी जो एंडोथेलियल सेल को इंजर करे, कोई भी फैक्टर, ठीक है ना, दैट कैन कॉज थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम. नॉर्मली जो एंडोथेलियल के रिस्पॉन्स है वो फिर वो लॉस्ट हो जाती है इफ़ एनी रिस्क फैक्टर और एनी इंजरी इज देयर. व्हाट इज़ द नॉर्मल हीमोस्टेसिस कंट्रीब्यूटेड बाय द एंडोथेलियल सेल्स? क्या एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूसेस प्रोस्टाग्लैंडिन I2, दैट इज प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एडेनोसिन डाइफॉस्फेटेज, PGI2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन. नॉर्मली एंड नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स एंड नॉर्मल व्हेन दे आर इनटेक्ड तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, दे कॉजेस वैसोडाइलेशन ताकि लैमिनार फ्लो हो, ठीक है ना, ब्लड की, एंड दे हैव नो चांस टू एडहर एंड कॉज एनी एग्रीगेशन एंड कोगुलेशन एबनॉर्मल. इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूसेस थ्रोम्बोमोड्यूलिन इन लाइट ब्लू इन कलर, थ्रोम्बोमोड्यूलिन कंबाइन विद द थ्रोम्बिन, ठीक है ना, तो वो क्या करवाता है, दैट एक्टिवेटेड द प्रोटीन सी, एंड प्रोटीन सी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एस विच एक्ट एज अ कोफैक्टर, इट प्रिवेंट्स द, इट कॉजेज द प्रोटीलाइसिस ऑफ फैक्टर्स, एक्टिवेटेड फैक्टर लाइक फैक्टर 5 and 8 ताकि कोगुलेशन कैस्केड ना एक्टिवेट हो सके, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर इन द मोस्ट राइट साइड विच इज़ अ फाइब्रिनोलाइटिक कैस्केड को जो एक्टिवेट करवाता है, प्लाज्मिन को एक्टिवेट करवाता है, एंड दैट लीड टू द फाइब्रिनोलाइसिस ताकि ओवर कोगुलेशन ना हो, ठीक है, फाइब्रिन डिपोजिशन ना हो, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल जो आपको ट्राइंगुलर रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, एट दीज कम्बाइन विद द एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन, and also they inactivate thrombin the activated factor 2 and also inactivate the activated factor 8 and 9. So these all are, and there is also a one other thing, tissue factor pathway inhibitor which inactivate the tissue factor complex with the factor activated factor 7. मतलब ये तमाम चीज़ें हमारी normal endothelial cells कर रही होती हैं. अगर endothelial cells किसी भी वजह से अगर injured हो जाएँ तो जो इनका normal इनहिबिशन है थ्रोम्बोसिस के लिए कि वो किस तरह इनहिबिट करते हैं थ्रोम्बोसिस को, किस तरह प्रिवेंट करते हैं एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन को, तो वो लॉस हो जाती है. ठीक है, सो एंड द नेक्स्ट फैक्टर इन द फ्रिकोस्ट्राइड इज द ऑल्टरेशन इन द ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो नॉर्मली इज कंटिन्यूस एंड इट्स लैमिनार, एंड व्हेन टर्बुलेंस फ्लो अकर और लोकल पॉकेट्स ऑफ स्टेसिस आर देयर, स्टेसिस एक्चुअली इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन द डेवलपमेंट ऑफ वेनस थ्रोम्बाई. ठीक है ना, टर्बुलेंस, स्टेसिस, दीज आर एबनॉर्मल ब्लड फ्लोज. ठीक है, दिस प्रमोट टू एंडोथेलियल एक्टिवेशन एंड इनहांसिंग द प्रो कॉक्युलेंट एक्टिविटी. जो उसका प्रो कॉक्युलेंट एक्टिविटी है, दैट देयर मे बी अ वेल रिवेंट फैक्टर और कॉलेजन एक्सपोजर दैट लीड टू प्लेटलेट एग्रीगेशन, और मे बी देयर इज एनी फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट, TNF इज देयर, एनी साइटोकाइन एंड मीडिएटर विच लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द कॉक्युलेंट पाथवे. ठीक है, एंड सो इन पार्ट थ्रू द फ्लो इंड्यूस्ड चेंज इन एंडोथेलियल सेल जीन एक्सप्रेशन डिस्टर्ब्ड लैमिनार फ्लो एंड ब्रिंग प्लेटलेट्स इनटू कांटेक्ट विद द एंडोथेलियम. लैमिनार फ्लो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो प्लेटलेट्स हमारे एंडोथेलियम के साथ आगे एडहियर हो जाते हैं, एडहीजन शुरू हो जाती है, विच कॉज सेक्रेशन, रिलीज रिएक्शन, देन एग्रीगेशन, देन ऑल ओवर द कॉगुलेशन कैस्केड इज देयर एंड फाइब्रिन डिपोजिशन टिल एंड. ठीक है ना, फिर वो पूरा एक क्लॉट बन जाता है. सो वैसे नॉर्मली द लेमिनार फ्लो प्रिवेंट एंड वॉश आउट एंड डायल्यूट एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर्स बाय फ्रेश फ्लोइंग ब्लड एंड द इनफ्लो ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स ऑल्सो देयर. तो अल्सरेटेड अगर एथेरोस्क्लेरोटिक है, प्लैक फॉर्मेशन है, तो वो एक टर्बुलेंट फ्लो कॉज करवाता है. एनरिज्म है, एनरिज्म कॉजेस टर्बुलेंसी. अक्यूट मायोकार्डियम फंक्शन रिजल्ट्स इन एरिया ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम. अगर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है दैट कॉजेज एनरिज्म, एनरिज्म कॉजेज टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, रूमेटिक
The mitral valve stenosis results in left arterial dilation, which can conjunction with the atrial fibrillation, एक dilated atrium हो जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ पे stasis होगी, stasis की वजह से thrombi produce होंगे, and the most important hyperviscosity is also there. Hyperviscosity in the polycythemia vera can lead to turbulent flow and stasis, and then lead to the thrombosis. अच्छा, ये हमारे पास थर्ड फिर्कोस्ट्राइड में एक थर्ड मेजर रिस्क फैक्टर है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट. ठीक है ना, हाइपर कोगुलेबल स्टेट के हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं, प्राइमरी कॉजेज एंड सेकेंडरी कॉजेज. ठीक है, प्राइमरी आर जेनेटिक वंस एंड सेकेंडरी आर एक्वायर्ड वंस. प्राइमरी में हमारे पास कुछ कॉमन है, कुछ रेयर हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं. कॉमन है हमारे पास फैक्टर फाइव म्यूटेशन, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन है. मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हाइपरकोगुलेबल स्टेट क्या है? फैक्टर फाइव म्यूटेशन. देन वी हैव प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन, देन वी हैव 5-10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रक्टेस ओचिस होमोजाइगस इन कंडीशन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ फैक्टर 8, 9, 11 और फाइब्रिनोजेन. ये तमाम के तमाम जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जिनकी वजह से ये एबनॉर्मली वर्क करते हैं. ठीक, कुछ रेयर भी हमारे पास जेनेटिक हाइपरकोगुलेबल स्टेट हैं, लाइक एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी है, प्रोटीन सी या फिर एस डेफिशिएंसी है, देर आर रेयर. एंड देर आर वेरी रेयर कंडीशन लाइक फाइब्रिनोलाइसिस डिफेक्ट हो गया, ठीक है, या फिर होमोजाइगस होमोसिस्टीन यूरिया हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ सिस्टरथायोन बीटा सिंथेसिस जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है इन द होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म. ठीक हो गया, ओके. एंड देर आर सम सेकेंडरी और एक्वायर्ड कंडीशन विच आर हाइपरकोगुलेबल विच कॉजेज अ हाइपरकोगुलेबल स्टेट, जिसमें हमारे पास हाई रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस हैं, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, इमोबिलाइजेशन है, ठीक है, आफ्टर सर्टेन सर्जरीज डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट फॉर द बेड रेस्ट, तो इमोबिलाइजेशन है तो उनको भी टाइम टू टाइम, ठीक है, वो थोड़ी मोर्टिलिटी दिखानी चाहिए ताकि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो, दैट इज़ वेरी कॉमन सेकेंडरी. ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एट्रियल फिब्रिलेशन, टिश्यू इंजरी होगी, कैंसर है, यानी प्रोस्टेटिक कार्डियक वाल्व्स हैं, डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन है किसी भी वजह से, ठीक है ना, और है पैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम. दीज आर हाई रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस इन एक्वायर्ड कंडीशन, दीज आर एक्वायर्ड और सेकेंडरी कंडीशन फॉर हाइपरकोगुलेबल स्टेट. लोअर रिस्क वी हैव सर्टेन कार्डियोमायोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट जो कि प्रेगनेंसी में है और पोस्ट पार्टम में है, ठीक है, एंड OCPs वही हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट में आ जाता है, सिकल सेल एनीमिया एंड स्मोकिंग. ठीक है, ये कुछ हमारे पास फिर्कोस्ट्राइड में जो थर्ड रिस्क फैक्टर है, दैट इज हाइपरकोगुलेबल स्टेट, उसके कॉजेज हैं. तो हाइपरकोगुलेबिलिटी है क्या? दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोफीलिया. सो थ्रोम्बोफीलिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आर टू डिफरेंट थिंग्स. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि हमारे पास प्लेटलेट काउंट इज लो इन द ब्लड, एंड थ्रोम्बोफीलिया यानी कि आप थ्रोम्बस को आप लव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रही है बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड हाइपरकोगुलेबिलिटी एंड ऑल्सो कॉल इज थ्रोम्बोफीलिया. Loosely defined as any alteration of the coagulation pathway. Coagulation pathway में कोई भी alteration that can lead to thrombosis. ठीक, factor 5 gene and prothrombin genes are the most common. ठीक है, factor 5 और prothrombin जो gene mutations है, हमने जो primary genetic inherited diseases of the hypercoagulable state में देखें, तो ये most common है ये दोनों. Approximately 2-15% of Caucasian carry a single nucleotide mutation in the factor 5, which is called the Leiden mutation after the city in the Netherlands where it was discovered. ठीक है, ये mutation किस तरह होती है? Glutamine to arginine. Substitution होती है at position 506 506, that renders factor 5 resistant to cleavage by protein C. वैसे हमारे पास factor 5 and 8 are cleaved by the protein C, and protein C was activated by the complex made by thrombin and thrombomodulin. तो normally जो हमारी response होती है endothelial cells की, that is prevented due to the mutation in the factor 5. वो cleave नहीं हो रही है by the protein C. A single nucleotide gene in the 3 prime untranslated region of the prothrombin gene. अब prothrombin वाली जो mutation है, that is a single nucleotide change in the 3 prime untranslated region of prothrombin gene is an other fairly common mutation in individuals with the hypercoagulability. 1-2% of the population may ये associate with the elevated levels of the prothrombin levels and almost 3-fold increase in the risk of venous thrombosis.
ठीक है ना, प्रोथ्रॉम्बिन लेवल विल बी हाई. प्रोथ्रॉम्बिन कॉजेज थ्रॉम्बिन फॉर्मेशन एंड देन फाइब्रिन डिपोजिशन एंड थ्रॉम्बोसिस इज देयर. सो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन कॉन्ट्रीब्यूट एंड इट इज एन अदर कॉज. एलिवेटेड लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन कॉन्ट्रीब्यूट टू द आर्टीरियल एज वेल एज वेनस थ्रोम्बोसिस. होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस भी होते हैं. अच्छा, होमोसिस्टीन में हमारा सिर्फ ना ही जेनेटिक म्यूटेशन है, देयर आर एक्वायर्ड कंडीशन होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म लाइक हमारी जो वाइटमिन्स B12 एंड फॉलियो डिफिशेंसी में भी होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है जब उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर एक्टिंग एज अ को फैक्टर इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ होमोसिस्टीन. अच्छा, द प्रोथ्रॉम्बोटिक इफेक्ट ऑफ होमोसिस्टीन मे बी ड्यू टू, यहाँ पे जो प्रोथ्रॉम्बोटिक इसका इफेक्ट है वो किस वजह से है, मे बी ड्यू टू द थायो ईस्टर लिंकेजेस विच आर फॉर्म बिटवीन होमोसिस्टीन मेटाबोलाइट्स एंड अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग फाइब्रिनोजेन. तो इनके लिंकेजेस की वजह से, इनके साथ वो लिंक करते हैं, वो फिर रिटेन रहती हैं और एक्टिवेटेड रहते हैं एंड थ्रॉम्बस जनरेट करते हैं, एबनॉर्मल क्लॉटिंग होती है. रेयर इनहेरिटेड कॉजेज ऑफ प्राइमरी हाइपरकॉगुलेबिलिटी इंक्लूड डेफिशिएंसीज ऑफ एंटीकॉगुलेंट्स जैसे थ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी एंड एस, हमने ये भी देख लिया था. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स टिपिकली प्रेजेंट विद वेनस थ्रोम्बोसिस, इनमें वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बिगिनिंग इन द एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड. ठीक है ना, इनहेरिटेड डिफिशियंसीज हैं लेकिन ये अर्ली एज में नहीं होते जब तक एडल्टहुड ना हो या फिर एडोलेसेंस ना रीच करें. अच्छा, जेनेटिक हो या इनहेरिटेड हो तो उसमें मतलब कुछ अगर म्यूटेशंस हैं, इफ देयर इज फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, ठीक है ना, तो होमोजाइगस कंडीशंस या हो या हेटरोजाइगस कंडीशन हो, मोस्टली वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती हैं. लेकिन अगर और कुछ में तो बिल्कुल भी वो मतलब द होल लाइफ दे आर साइलेंट, ठीक है. लेकिन उसके साथ अगर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स आप लाइफ में आपके हैं, ठीक है ना, इफ़ यू आर अ स्मोकर और इन फीमेल्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, OCPs फ्रॉम ईयर्स एंड इफ देयर इमोबिलाइजेशन, तो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं दैट लीड टू द थ्रोम्बोसिस इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, और स्पेशली इन एक्वायर्ड कंडीशन. तब तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं इमोबिलाइजेशन एंड इफ फीमेल देन टेकिंग OCPs एंड प्रेगनेंसी, तो इन तरह के कंडीशंस में फिर वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर दैट म्यूटेशन और दैट कंडीशन. लाइक इन सम केसेस जब कार्डियक फेलियर या ट्रॉमा में स्टेसिस या फिर वेस्कुलर इंजरी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है फॉर द थ्रोम्बोसिस, एंड हाइपरकॉगुलेबिलिटी ड्यू टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज और द हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में है, इट्स प्रॉबेबल कॉज बाय इंक्रीज हेपैटिक सिंथेसिस ऑफ कॉगुलेशन फैक्टर. इस कंडीशंस में लिवर सिंथेसाइजेस मोर कॉगुलेशन फैक्टर्स एंड रिड्यूसेस द एंटीकॉगुलेंट सिंथेसिस दैट कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस. So the hypercoagulable seen with the advancing age may be due to the reduced advancing age में भी हमारे पास maybe if there किसी lady में किसी में भी mutation है या फिर acquired कोई condition है, कोई भी state है thrombotic, either it's a vascular injury or endothelial injury or blood flow में turbulent flow है, stasis है, कोई भी underlying condition है, cause है. लेकिन अगर over elderly age में है तो वैसे तो उसको कोई problem नहीं हुई if पेशेंट गॉट एज, तो उसके साथ क्या हो जाता है कि रिड्यूस एंडोथेलियल प्रोस्टेसाइक्लिन सिंथेसिस एंड दैट कैन लीड टू हाइपरकॉगुलेबल स्टेट. एंड इफ देयर इज अ स्मोकिंग और ओबेसिटी, दीज कंडीशंस आल्सो प्रमोट हाइपरकॉगुलेबिलिटी बाय अननोन मैकेनिज्म्स.